हाँ मुझे ना मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की पूर्वता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मंत्री रहे, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, अब 8.25 लाख वोटों से जीत कर आए। क्या मंत्रालय देखते हैं? 29 की 29 सीटें। तो मंत्रालय क्या मिलेगा सर? मुझे 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 काम का इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि मनोहर लाल खट्टर क्यों हैं इस मंत्रिमंडल में, जिसने पार्टी को डुबो दिया, उनको काम ना करने का इनाम मिल गया, जिनको काम करने का पार्टी को उबार लिया, उन दोनों को आपने बराबर के पेडेस्टल पे खड़ा कर दिया। ये बड़ा अन्यायपूर्ण लगता है। जो परफॉर्मेंस इनको सीसीएस का हिस्सा होना चाहिए, वो मंत्रालय मिलने चाहिए, होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि